मेष राशि, आजीविका की समस्या आज हल होगी। मित्रों की बात को अवॉइड ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। शुभ रंग लाल, आज बच्चों को पीले फल जरूर पाएं। वृषभ राशि, व्यापारिक डील आज आपकी खराब हो सकती है। नौकरी में सावधानी बरतनी होगी। सुबह के समय योग और ध्यान करिए। शुभ रंग है गुलाबी, आज किसी भी शिवालय में पहुंचिए, एक घी का दीपक जरूर जलाइए। मिथुन राशि, नकारात्मक सोच से बचिए। आजीविका के नए आपको अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं करना है। शुभ रंग है सफेद, आज देवी लक्ष्मी को थोड़ी सी मेहंदी अर्पित कर दीजिए, बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। देखिए, अगर आपके घर में धन का अभाव है, पैसा बहुत कमाते हैं बचता नहीं है, सुबह के समय उबले हुए पीले चावल आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। माथे पर केसर चंदन का तिलक करिए, बहुत लाभ होगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नई योजना बनाने से आपको धन का लाभ हो सकता है। रिश्तों में किसी के साथ धोखा ना करें। पुरानी बीमारी खत्म होगी। शुभ रंग है लाल, आज कन्याओं को उपहार जरूर। बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि की। अपने आप पर आपको भरोसा रखना होगा, पूरा कॉन्फिडेंट रहना होगा। तामसिक भोजन से दूर रहिए। व्यापार में सफलता का योग बना हुआ है। शुभ रंग है गेरुआ, आज देवी लक्ष्मी को गुड़ का भोग लगाएं तो अच्छा है। कन्या राशि, आज आपको महिला मित्र का साथ मिलेगा। अपने प्रयास जारी रखें। छात्रों के लिए दिन बहुत शुभ है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, आज एक पीला कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित करिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं खत्म। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आजीविका के साथ साथ नौकरी व्यापार बहुत सारी समस्याओं को खत्म करे। अपने नहाने के पानी में एक चम्मच गंगा जल मिलाकर आप स्नान करिए। क्लीम नमः मंत्र का 108 बार पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके जाप करिए। आजीविका की तमाम समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, रिश्तों में तनातनी बनी रहेगी। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों की मदद करें। शुभ रंग है आसमानी, आज पक्षियों की सेवा करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या कम होगी। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि, जलीय राशि, मानसिक स्थिति में आज सुधार होगा। मित्र से अलगाव भी खत्म होगा। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। शुभ रंग पीला, आज देवी दुर्गा को एक कनेर का पुष्प अर्पित करिए। हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर संकट से बचाव होगा। धनु राशि की बात करते हैं। पुराने संबंधों में दरार बिल्कुल ना आने दें। अपने संबंधों को मेंटेन करें, अपने मित्रों से मिलें तो अच्छा है। नए अवसर की प्राप्ति होगी। धन किसी को उधार नहीं देना है, वरना वापसी नहीं हो पाएगी। शुभ रंग है केरुआ, आज बच्चों को मिठाई खिलाएं तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों, थोड़ा सा उबला हुआ आलू, शुद्ध दही और थोड़ा सा शहद, इन तीनों का मिश्रण तैयार कर लीजिए और अपने चेहरे पर इसका लेप लगाइए। सूखने पर ठंडे पानी से अपना चेहरा वॉश करिए। ऐसा करने से चेहरे के रिंकल, चेहरे की जो झुर्रियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, मानसिक तनाव धीरे धीरे खत्म होगा। अपनों से बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। रुके हुए काम में आपको सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग है गेरुआ, आज गुलकंद का सेवन करिए। सेवन करने से पहले अपने ईष्ट को भोग जरूर लगा दें। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अपने भाग्य पर भी भरोसा रखना होगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, आज एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। देवी दुर्गा को एक लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दीजिए। मीन राशि, अंतिम राशि, सेहत की समस्या लगातार बनी रहेगी। मित्र से झगड़ा बिल्कुल ना करें। नौकरी में बदलाव भी नहीं करना है। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी, आज पक्षियों को दाना डालें तो मान के चलिए सेहत भी अच्छी हो जाएगी और परिवार में भी वातावरण सुखद रहेगा।
आइए मित्रों बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महाउपाय की जो हर दुख परेशानी को खत्म कर सकता है। मित्रों अगर आप बहुत समय से परेशान हैं, बहुत सारे आपने उपायों का सहारा लिया लेकिन आपका कार्य नहीं हो पाया, हर दुख परेशानी संकट ने आपको घेर ही रखा है, बिल्कुल ना घबराइए, एक छोटा सा उपाय आज आपको करना ही होगा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप ले लीजिए, थोड़ी देर उसे गंगा जल में आप रख दीजिए, फिर इस गंगा जल को अपने नहाने के पानी में मिलाइएगा, फिर देखिए इसका प्रभाव कितना विलक्षण होगा। आप स्वस्थ भी रहेंगे, हर दुख परेशानी संकट से भी हर तरीके से बच जाएंगे। तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।